तो जैसा हमने बात किया था कि एक गिवन पीरियड होता है, उस बीच में सिर्फ वो टाइम काउंट करता है, उसके भीतर में कभी प्रेस कर दिया रिसेट बटन तो वापस 0-0 पे चला जाता है। अगर नहीं किया तो पहले वो इट ट्राइज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑफिसर ऑन वॉच कि भाई टाइम हो गया रिसेट कर दो। अगर उसने कर दिया तो बहुत अच्छा, वापस चला जाएगा 0-0 पे, स्टार्ट काउंटिंग टाइम। सो देर इज अ टर्म कॉल्ड डॉर्मेंट पीरियड। ड्यूरिंग द डॉर्मेंट पीरियड द सिस्टम इज जस्ट काउंटिंग टाइम, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, इट इज जस्ट काउंटिंग टाइम। दिस डॉर्मेंट पीरियड कैन बी सेट बाय द मास्टर एनीथिंग बिटवीन 3 to 12 मिनट्स। 3 मिनट्स मतलब 3 मिनट के भीतर रिसेट करते रहना पड़ेगा। अगर 9 मिनट्स किया तो 9 मिनट्स के भीतर में कभी भी रिसेट कर दें, और मैक्सिमम ऑफ 12 मिनट्स, मैक्सिमम 12 मिनट्स, उससे ऊपर का डॉर्मेंट पीरियड नहीं होता। सो मैंने स्विच ऑन किया बनवास को, बनवास इज डूइंग नथिंग जस्ट काउंटिंग टाइम। ऑफिसर ऑन वॉच रिसेट्स, नो प्रॉब्लम, गोज बैक टू 0-0, स्टार्ट काउंटिंग टाइम वन सेकेंड। फिर कभी तीसरे मिनट में कर दिया, अगेन इट गोज टू 0-0, स्टार्ट काउंटिंग टाइम। 8वें मिनट में कर दिया, नो प्रॉब्लम, इट गोज बैक टू 0-0, स्टार्ट काउंटिंग टाइम। सो इफ इट इज रिसेट विद इन दिस डॉर्मेंट पीरियड, इट गोज बैक टू 0। एक्टिविटी इज हैपनिंग, ऑफिसर ऑन वॉच इज रिसेटिंग द बटन, ही इज लाइकली दैट ही इज डूइंग हिज नेविगेशन वर्क, ही इज अलर्ट इन द ब्रिज, ही इज टेकिंग एक्शंस। अगर वो 12 मिनट, फॉर एग्जांपल 12 मिनट का सेट किया हुआ, तो 12 मिनट के टाइम पीरियड के बाद अगर रीसेट वॉज नॉट डन, देन वॉट विल हैपन, द सिस्टम विल गिव विजुअल इंडिकेशन, द फ्लैशिंग लाइट इन द रीसेट पॉइंट्स। बताया था ना रीसेट पॉइंट में बल्ब लगा होता है, एलईडी लगी होती है, तो वो फ्लिकर करना शुरू होता है। विजुअल इंडिकेशन फॉर द ऑफिसर ऑन वॉच, अरे फ्लिकर कर रहा है, टाइम हो गया रीसेट, टाइम हो गया रीसेट, टाइम हो गया रीसेट। ओके, सो इफ ही सीज दैट विजुअल इंडिकेशन देन ही विल रिसेट एंड द सिस्टम गोज बैक टू 0-0, अगेन स्टार्ट्स काउंटिंग टाइम, नथिंग लॉस्ट। इफ फॉर एग्जाम्पल द ऑफिसर ऑन वॉच वॉज वर्किंग ऑन समथिंग और मे बी रीडिंग अ बुक, नॉट पेइंग अटेंशन, भूल गया, कहानी बहुत अच्छी है, और मे बी ही इज डूइंग चार्ट करेक्शन एंड थिंग्स लाइक दैट, तो ही डिड नॉट सी द फ्लैशिंग लाइट बिकॉज आंखें उसकी इधर थी, उधर में लाइट था, डिड नॉट सी, देन इट विल ट्राई टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑफिसर ऑन वॉच बाई ऑडियो अलार्म। एक छोटी सी बजर, हल्की सी बजर बजेगी, टू 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 टू, सम कैरेक्टरिस्टिक साउंड टू इंडिकेट बनवास अलार्म, बट इट इज इन द ब्रिज ओनली, इट इज टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द पर्सन ऑन वॉच। If he listens and resets it again, no problem. The system goes back to 0-0 and starts counting time once again. But if he did not see, if he did not hear, that means there is something wrong. He is not attentive enough. He is inactive, one way or the other. Either he is dead, or he is sleeping, or he is unconscious, whatever. Then it will generate alarm for the cabin. So officer on watch is there, but the backup officer who is coming next, उसके कैबिन में और मास्टर के कैबिन में there will be alarm going off, loud alarm, क्योंकि हो सकता है वो आराम कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, so they need to be waken up from their sleep. So loud alarm is ringing in the cabins of backup officer and the master. They rush to the bridge. They get up and they rush to the bridge, reset the system, and then take care of the situation. जो भी सिचुएशन है वहां पे, they will handle the navigation.
देयर इज टाइम प्रोवाइडेड, जैसे टाइम पीरियड हमने बोला डॉर्मेंट पीरियड फॉर 12 मिनट्स, 3 to 12 मिनट्स, उसके बाद विजुअल इंडिकेशन आएगी तो कितने देर के लिए, उसके बाद तो ऑडियो अलार्म बजेगा 15 seconds, वेरी गुड. So there is a time for visual indication, 15 seconds, within which he should reset it. अगर नहीं तो ऑडियो अलार्म शुरू होगा ब्रिज में. This audio alarm in the bridge is called first stage alarm. अगर उसने reset नहीं किया तो cabins में जाएगी, कितने देर के लिए, कितना time मिलता है, again 15 seconds. So visual indication 15 seconds, then in the bridge, the buzzer, again 15 seconds, after that it goes to the cabin. So cabin में when the alarm is sounding off, the people should rush to the bridge. How much time they have before they can reach there? 90 seconds. The second stage alarm in the cabins is for 90 seconds. Within 90 seconds, the master or the backup officer should reach the bridge, reset the system, and control the situation. If they also fail, they also do not reach the bridge in time, then what? A general alarm. जनरल बनवास अलार्म, एलीवेज में अलार्म बज जाएगा. जो भी सुने आप दौड़ करके जाओ ब्रिज पे एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. दिस जनरल अलार्म इज नॉट शिप्स जनरल इमरजेंसी अलार्म, इट इज डिफरेंट देन दैट, सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड इट इज ब्रिज अलार्म. नहीं तो जनरल इमरजेंसी अलार्म बजेगा तो हो सकता है सब लोग बोट स्टेशन पे भागने लगे, मास्टर स्टेशन पे जाए. So this is the situation. This is how the functioning of the Banvas is there. We will see this on slide. We will read about the basics and we will see the different stage alarms. We have first stage alarm, audio buzzer in the bridge, second stage alarm in the cabins, third stage alarm in the alleyways, common area. Up to flashing light and the first stage alarm, nothing is lost. Everything is in the bridge only. Only when it goes to second stage alarm, that means there is a breach of bridge watch keeping. There has something gone wrong and it should be recorded also. So VDR records the second stage alarm date time. Also, if at all the third stage alarm goes off, then third stage alarm also will be recorded by the VDR. That even the backup officer did not reach in time. So this is the functional requirement of Banvas. Let us go now to slides, and from the slide only we'll see. Let me open the file first. Sharing the screen now. आकाश वर्मा अपना माइक्रोफोन ऑफ कर लो. ऑल राइट, सो वी हैव सीन द पर्पस, वी हैव सीन दिस. Sir, can you please remain on the previous slide? I want to ask one question. This one? Yes, sir. Go ahead. Sir, I want to know about this WAR, 220 decimal 1 point something, and WMS, PIR motion sensor. Where you are seeing WAR? Oh, these are basically the model numbers and equipment devices ka numbers.
because this has been, this diagram has been picked up from the internet. So this is talking about a particular type of device. उनका अपना अपना ये होता है, क्या कहते हैं, naming the devices and the things. So you need not pay attention much to it. It is reset units. ऊपर में जो लाल रंग के पीछे छिपा हुआ है, it is reset units WAR220.1.0. Correct? Yes, sir. Correct, sir. It is just about the name of the switch as given by the manufacturer. They call it so and so. Okay, sir. ठीक है ना? And sir, what we are interested in, what we are interested in, that they are nothing but reset units. ठीक है? हाँ, वो इंडिविजुअल टेक्निकल नाम है जो मैन्युफैक्चरर ने रखा है. कोई और मैन्युफैक्चरर होएगा, वो कुछ और नाम रख सकता है रिसेट यूनिट को. ठीक है ना? ओके. एंड सर, दिस पीआर मोशन सेंसर, दिस इज ऑलवेज अ स्टैंडर्डाइज्ड, करेक्ट? नो, मोशन सेंसर इज नॉट स्टैंडर्डाइज्ड. वी विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल. ओके. या गुड कमिंग. We'll be talking about that motion sensor also. So after switching on the Banvas, it goes into a dormant period mode where it is just doing nothing, remaining silent and counting time, which time can be anything between 3 to 12 minutes as set by the master. Remember that the Banvas can be operated only by the authorized person. It is not free for all. Remember that keyhole we had. The change of settings, dormant period, etc., is done only by the authorized person. So it is protected by either a key or by password, which is only with the master. So jab ye teen से 12 मिनट का डॉर्मेंट पीरियड खत्म हो जाता है एंड द सिस्टम इज नॉट रिसेट विद इन दिस टाइम, द सिस्टम जनरेट्स अ विजुअल अलार्म विच इज फ्लैशिंग लाइट इन द रिसेट पॉइंट्स. जितने रिसेट पॉइंट्स हैं, सारे के सारे फ्लिकर करने लगेंगे, ऑन ऑफ होने लगेंगे. बट ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है क्या, जितने भी रिसेट पॉइंट उन पे लाइट होना जरूरी है? यस, विजुअल इंडिकेशन तो नहीं था सर. क्या था? नॉर्मल बटन था सर. उसमें विजुअल इंडिकेशन का कोई ये नहीं था? नो नो सर, नो सर. ऑल टू सिप्स, नो सर. ओनली रीसेट बटन था ब्रिज के दोनों साइड, मतलब ब्रिज में अंदर पोर्ट साइड, स्टारबोर्ड साइड, और एक मेन कंसोल पे तीन रीसेट बटन थे, और उनमें कोई ऐसा लाइट वगैरह कोई इंडिकेशन तो नहीं था. ओनली साउंड अलार्म था, जब वो 12 मिनट्स 30 सेकंड से ऊपर जाता था तो बस साउंड होता था, उसके अलावा कोई विजुअल तो नहीं था सर. ओके, नहीं था. एज पर आईएमओ इट इज रिक्वायर्ड इफ इट हैज बीन इंस्टॉल्ड विदाउट द, देखो एक तो ये है, कभी अलार्म बजी थी? डिड यू हैव एनी इंस्टेंस when the sound alarm was was generated? Yes sir, yes sir, always sir, always. Okay, so but only alarm sir, no visual, nothing. Okay, so I don't know, it was probably, dekho IMO ki requirement sam pad rahe hain yahan pe, we are trying to understand or we are learning about the IMO, what says about this Banvas system. Then finally, it is the flag administration's purview as to what they are allowing, what they are not. IMO is a guiding factor, but whatever guidance is generated by the IMO, it is implemented by the local governments. Like in India, DG Shipping will implement it. Ab DG Shipping agar kuch approve karti hai, kuch exemptions deti hai, तो ये आईएमओ के स्टेट्स को, दूसरे कॉन्ट्रैक्टिंग गवर्नमेंट से उसको ऑनर करना पड़ता है. नॉट ऑल द टाइम बट मेनी टाइम्स.
इफ वन फ्लैग स्टेट हैज सेड ओके यू कैन गो, दूसरा कंट्री को बोलना पड़ेगा अच्छा ठीक है तुम्हारे गवर्नमेंट ने कहा है तो ठीक है कोई बात नहीं मान लेते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर पासिंग GMDSS फ्रॉम इंडिया देन ऑल द कंट्रीज विल रिकॉग्नाइज इट कि ठीक है तुम GMDSS पास कर चुके है ना. यस सर. तो ऐसा ही है अगर फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस डिवाइस को अप्रूव कर दिया तो मोस्ट लाइकली इट विल बी अप्रूव्ड एंड यू नो गिवन गो अहेड बाय अदर स्टेट्स आल्सो. बट IMO says that these are the requirements for Vanvas. There has to be visual indication. Okay, sir. Now, what changes have taken place? I'm not sure. हो सकता है कि flag administration ने किस flag का था आपका ship? Sir, both Malta. Malta. तो छोटी flag है. हो सकता है कुछ छोटे manufacturer हो, उन्होंने कुछ ऐसा कर लिया हो. सेटिंग कर लियो या जो भी आई डोंट नो बट अल्टीमेटली दे हैड एन अप्रूवल दैट इज व्हाई इट वाज इंस्टॉल्ड. बट नॉनदलेस वी आर ऑल दैट वी विल बी डिस्कसिंग विल बी IMO रिक्वायरमेंट्स एंड दिस इज IMO रिक्वायरमेंट दैट देयर हैज टू बी अ विजुअल इंडिकेशन. ओके सर. आफ्टर द विजुअल इंडिकेशन स्टार्टेड विद इन 15 seconds if the system is reset no problem it goes back to 00 starts counting time again dormant period. If not then there will be first stage alarm which is audio buzzer in the bridge itself. It does not go out of the bridge, it is in the bridge. Hearing this buzzer, if the officer on watch is resetting it, no issues, system goes back to 00. If not, if the officer on watch is failing to reset it within dormant period or during visual indication which lasted for 15 seconds or during the first stage alarm which also lasted for 15 seconds, then second stage alarm will be generated. This second stage alarm is in the cabins as we said, and this gives 90 seconds time for the backup officer or the master and the master maybe to rush to the bridge, reset the system and then control the situation. जब फर्स्ट स्टेज बजती है तो फ्लैशिंग लाइट चालू रहता है, जब सेकंड स्टेज बजती है तो फ्लैशिंग लाइट एंड ऑडियो बजर इन द ब्रिज ऑल आर गोइंग ऑफ, चल रहा है वो. रीसेट करने से सारे सिस्टम 00 पे आ जाते हैं, ऑल अलार्म्स इंडिकेशंस विल बी कैंसल्ड एंड अ फ्रेश न्यू डॉर्मेंट पीरियड विल स्टार्ट, न्यू साइकिल विल स्टार्ट. If the master did not reach, if the backup officer did not reach in the bridge within 90 seconds, then there will be third stage. There will be third stage alarm, which is in the common areas, a loud alarm in the common area, most likely officers there, so that people can rush to the bridge. Anybody hearing can rush to the bridge. But this common area is may not necessarily be only in the officer's deck. It can be other places also. Mess room mein bhi bach sakta hai. Ho sakta hai lunch time ho ya dinner time ho jab aisa hua kuch. So it can be installed at many places. Both second and third stage alarm are recorded by the VDR because it was an important incident that took place. There was a breach of watchkeeping, bridge watch. So what we have studied is given in this format. मैं एक एक करके आगे बढ़ाता जाऊंगा. Verify your understanding कि हाँ सही जा रहा है. If not, ask me a question. I will answer that. So the Vanvas is switched on or reset.
then what happens? Okay, dormant period of 3 to 12 minutes starts. If within this time it is not reset, dormant period ke beech mein agar reset nahi kiya, so visual alarm for 15 seconds in the bridge. अभी भी रिसेट नहीं किया तो क्या होगा? फर्स्ट स्टेज अलार्म, विजुअल अलार्म, सो दैट इज बजर, वेरी लाइट साउंड, नॉट वेरी लाउड, इट इज कैरेक्टरिस्टिक साउंड, थोड़ा सा हल्का साउंड, जस्ट टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑन वॉच. दिस कंटिन्यूज फॉर 15 सेकेंड्स. रिसेट कर दिया तो ठीक, फिर भी अगर रिसेट नहीं किया तो अरे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, माइक्रोफोन ऑन है किसी का? हेलो, not listening, so I got to do something about it. ये कौन है मिस्टर भाई? चंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार. यस सर. आपका माइक्रोफोन ऑन था, मैं आपको आवाज दे रहा था कि माइक्रोफोन ऑन है, सुन रहे थे कि नहीं? सॉरी सर, सॉरी, ध्यान नहीं दिया सर. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. सो चेन टूट गई हमारी थोड़ी सी, बट नॉनदलेस विल कंटिन्यू. फर्स्ट स्टेज अलार्म बजा ब्रिज में, अगर रिसेट कर दिया तो ठीक, everything goes back to 00 once again, it goes back to 00, starts counting time once again. If not reset to kya hoga? There will be second stage alarm. Second stage alarm is in the cabins of master and backup officer. They should reach the bridge and reset the system and control the situation. But whenever this second stage alarm goes off, along with that, VDR link will be generated. The VDR will record the incident. Banvas alarm will be recorded by the VDR at so and so date, so and so time. Banvas alarm was sounded. Ab backup officer ne agar aake usko reset kar diya, to bahut acche. The system again goes back to 00, all alarms indications cancelled. But if not reset, agar backup officer bhi nahi pahunche waha, then there will be a third stage alarm. It is loud audio alarm in the common areas. Iska koi time nahi hota hai, jab tak reset nahi karenge tab tak bajta rahega. 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जितने देर रीसेट नहीं करेंगे इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन. इवन दिस इंसिडेंट इज रिकॉर्डेड बाय द वीडियो. सो आर वी गुड अबाउट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वीडियो, कैसे काम करता है? यस सर, वन क्वेश्चन. बोलिए सर. जैसे सेकंड स्टेज अलार्म साउंड किया बैकअप ऑफिसर के केबिन में या मास्टर केबिन में, कैन दे रीसेट फ्रॉम देयर केबिन इटसेल्फ और दे जस्ट हैज टू रन टू द ब्रिज इमीडिएटली? ओके, इफ आई रीसेट इट फ्रॉम द केबिन एंड गो टू स्लीप वंस अगेन, व्हाट हैपेंस? इट विल साउंड वंस अगेन, बट
जैसे ब्रिज पे कॉल करके, लेट्स से इट्स नॉट अ इमरजेंसी, वो वॉशरूम में था ड्यूटी ऑफिसर और समथिंग, देन वी कैन कंफर्म विद हिम ऑन कॉल बाय कॉलिंग ब्रिज. सो ही शुड एंश्योर दैट व्हेन ही इज गोइंग टू द वॉशरूम ही शुड मेक एम्पल टाइम फॉर हिमसेल्फ सो दैट ही डजंट हैव टू रन शॉर्ट ऑफ टाइम. आइडिया इज इफ आई एम रिसेटिंग इट फ्रॉम द वॉशरूम तो मैं एक घंटे वॉशरूम में रहूं और एक रिसेट बटन वहीं पे लगा लेता हूं, तसल्ली से अपना काम होता रहेगा वॉशरूम में, एक घंटे बाद चला जाऊंगा ब्रिज में. साउंडिंग लॉजिकल और नॉट? इलॉजिकल. इलॉजिकल. इट इज आईएमओ रिक्वायरमेंट दैट द रिसेट पॉइंट्स मस्ट नॉट बी रिमोटली इंस्टॉल्ड. It should be installed only in the area from where navigation watch is carried out. It cannot be placed in the radio room. It cannot be placed near the chart table also. क्योंकि chart table से आप navigation नहीं करते हैं. रात में आप पर्दे खींच देते हैं. Navigation आपका होता है, जो watch lookout होता है वो सामने bridge front से होता है. Even chart room is obscured and it is a separate area. You are coming there for reference of the charts, but you are not actually in the watch area when you are working on the chart. So no remote resetting. Ye requirements aage aayengi. Abhi hum baat karenge detail mein. What are the reset functions or what are the other operational requirements of the Banvas? Just after this. Sir, ye alarms. अलार्म स्टेज टू के टाइम पे सर ब्रिज पे बजर कंटिन्यूस बज रहा है कि उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है सर? नहीं, वो वैसे का वैसे ही बजता रहेगा जैसे था. फ्लैशिंग लाइट जैसे चल रही थी वो चलता रहेगा. कैबिन में भी अलार्म बजती रहेगी. ओके सर. रीसेट करेंगे तो तीनों बंद हो जाएंगे. ओके सर. सिस्टम विल गो बैक टू 00 वंस अगेन, स्टार्ट्स काउंटिंग टाइम, डोरमेंट पीरियड का नया साइकिल शुरू हो जाएगा. Sir. Yes. So my first ship, the bridge had an integrated panel. Okay. So bridge pe curtains nahi tha sir. So chart table panel was built in such a way ki light aage nahi jaati thi. Okay. And the Banvas reset buttons were also on present on the chart table. Okay. So sir, that's what I'm saying. So you are saying that this chart table was also a place from where lookout could be kept? Yes sir, because there were no curtains on the bridge. No curtains, all right. So and yes sir, would you do your normal lookout watches from the chart table also? Visibility was good? Yes sir, on that vessel it was possible. Okay, so no issues. You can now install at the chart table also. No sir, chart table, sorry sir, disturb kiya. Chart table पे तो हमारे पे भी था, but उसको cover किया हुआ था क्योंकि वो एक remark था. वही अभी अभी detail में बात होगी, अभी बात होगी, ये सब सारी चीजें हम बात करने वाले. आपके कुछ companies ने chart table पे लगाई कि हम यहाँ से reset कर देंगे, but surveyors आए, उन्होंने ये point note किया कि रात में आप क्या करेंगे. आप चार्ट पे काम कर रहे हैं और यहीं से रिसेट कर दिया, आप सामने गए नहीं, आपका ब्रिज वॉच तो नहीं चल रहा. आप चार्ट पे लगे हुए एक घंटे से और सामने लुकआउट नहीं रख रहे. वनवास का काम है लुकआउट इंश्योर करना दैट समबडी इज वर्किंग एंड समबडी इज कीपिंग वॉच प्रॉपरली. चार्ट इज फॉर रेफरेंस, नेविगेशन इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड. सो आफ्टर द रिमार्क इट वॉज कवर्ड और इट विल बी रिमूव्ड. People tried to install it near the chart table, but it was removed or it was made defunct or it was covered because of this observation. Chart table is not the area from where navigation is carried out. It should only be placed in the area from where bridge watch is carried out. आएंगे अभी सब के बारे में बात कर लेंगे, उसके बाद questions लेते हैं आपका, ठीक है? Let us first complete the topic, then we see if any more doubts, then we'll talk about it. वैसे ये सारी चीजें अभी clear हो जाती हैं हमारे अगले discussion. Okay. So, what are the other requirements for the Banvas?
One thing it says about operation, that one watch should be on at all times whenever the ship is underway at sea. This is IMO requirement, recommendation that one watch should be on at all times whenever the ship is underway at sea. Now we have a situation here. This requirement says underway at sea. What about the anchor? Ship is at anchor. Is it a certificate for us to go to sleep? Or do I need to keep sharp watch for anchor also? Anchor also same, sir. Anchor also same. Which are the ships passing by? Kaun nazdeek aa raha hai, kaun dur ja raha hai? That means I have to be alert during anchor watch also. So this requirement that underway at sea does not hold good, although it is recommended by IMO, it is necessary that the watch be kept and banvas may be switched on even at anchor, ship not underway. So that's first requirement. Second requirement is about the modes of operation. A banvas should have three modes of operation. They are automatic mode, manual on, and manual off. मैनुअल ऑन ऑफ तो हमें समझ में आता है, पावर ऑन कर दिया बनवास चल पड़ी, ऑफ कर दिया बनवास बंद हो, जो भी टाइम पीरियड सेट किया उसके हिसाब से ऑपरेट करना होगा. अगर ऑन है तो बनवास ऑन, नहीं है तो सब बंद. नाउ हियर कम्स अ सिचुएशन वन सेकंड. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑटोमेटिक ऑपरेशन और ऑटोमेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन. Here, there is no manual on, manual off. The system becomes on or becomes off automatically when we choose the pilotage mode, steering mode. Supposing I am steering the vessel, I am on the wheel, hand steering mein leke main steer kar raha hu jahaz ko. Will I be sleeping now? Holding the steering? No sir. नहीं. तो अभी लगता है कि इस केस में मुझको बनवास की जरूरत नहीं है, मैं तो स्टीयर कर रहा हूं. तो whenever the system or the steering system is turned to hand mode or manual steering mode, तब बनवास will become. तो किसी का माइक्रोफोन ऑन है, राइट, थैंक यू. So automatic mode mein, when we turn the steering to manual mode or hand steering mode, the system becomes off. Banvas bar bar on off karne ki zarurat nahi hai, matlab reset karne ki zarurat nahi, because it is assumed if you are in hand steering mode to aap kaam kar rahe hain, you are not sleeping. The banvas will become on when you turn it to autopilot mode. Aapne maneuvering kar li, जहाज बाहर निकल चुकी, आरएफए दे दिया, कोर्स पकड़ लिया अपना. नाउ इट इज टाइम टू रिलैक्स. सब ब्रिज से चले भी गए, मास्टर ने कहा ठीक है, नाउ ऑल द बेस्ट, हैव अ सेफ नेविगेशन करके वो भी चले गए. द ऑफिसर ऑन वॉच इज अलोन इन द ब्रिज, द शिप इज ऑन ऑटोमेटिक स्टीयरिंग मोड. नाउ इट इज द टाइम दैट समबडी कैन रिलैक्स and maybe fall asleep also. तो जैसे ही ऑटो में किया हमने, बनवास ऑन हो गई. अब वो रिसेट खेलना पड़ेगा मुझको. So this is automatic mode of operation. The बनवास is on when the steering is in auto course control mode, and it is off when it is in hand steering mode. Is the requirement clear? ये क्या बात हुई? Automatic mode? Yes sir. सही क्वेश्चन था. हाँ.
मान लीजिए हम सर अंडरवे हैं और कोई हाँ. स्पेशल वर्क चल रहा है और special हमारा हाँ कुछ भी स्पेशल वर्क डेक पे चल रहा है, मान लो पर्जिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है सर. उस टाइम पे हम लोग ऑटो पे हैं तो सॉरी मतलब उसमें भी है, क्या बोलते हैं, हैंड स्टीयरिंग पे है, वनवास बंद कर दिया या मतलब तो ऑन होना चाहिए ना उस टाइम पे भी. क्यों होना चाहिए जब हैंड स्टीयरिंग मोड में है? शिप सेल कर रही है या नहीं? हाँ शिप सेल कर रही है. तो होना क्या, जब शिप सेल कर रही है मैं हैंड स्टीयरिंग मोड में हूँ तो खड़े खड़े सोने ना जाऊंगा स्टीयरिंग व्हील पकड़ के? तो बंद कर दिया तो स्टीयरिंग तो ए भी कर रहे हैं ना, अपन तो वहां पे घूम रहे हैं सर. हाँ ठीक है, तो ए भी है ना वहां पे बताने के लिए, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ब्रिज वॉच राइट. ए भी बीच में, बट ऐसा कभी करते नहीं थे सर, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. ओके सो ऑलवेज ऑन ही रहता था सर. इन इन वो है उसमें भी है, मतलब कितने भी लोग हैं ब्रिज पे वो चल रहा है. हाँ उस टाइम पे करते थे सर, जब मैन्युवरिंग पोर्ट पे अलोंग साइड जा रहे हैं तो डिस्टर्ब होता था उससे, तो उस टाइम पे बंद कर देते. सही कह, एकदम सही कह रहा. हम इस कंक्लूजन पे आ जाएंगे, इसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे, अभी आएंगे, मेरे डिस्कशन खत्म होने दो. तो इसी जो आप जो कर रहे थे उसी कंक्लूजन पे आ जाएंगे. तो ऑटोमेटिक मोड में हमने देखा कि हैंड स्टीयरिंग मोड में जब आते हैं, स्टीयरिंग जब हैंड मोड में होती है तो वनवास ऑफ हो जाता है, और जब ऑन मतलब ऑटो मोड में होते हैं तो ऑन हो जाता है. मैनुअल की सर वो ऑफ ऑफ भी करेंगे ना तो वीडीआर में अलार्म आता है सर. अगर ऑफ किया तो वीडीआर में अलार्म आएगा सर उसका. ओके तो वो इंडिविजुअल शिप की अपनी रिक्वायरमेंट है, हर शिप का, हर ओनर्स का, हर कंपनी का अपना एसएमएस मैनुअल होता है, व्हाट आर द ब्रिज मेथड्स ऑफ वॉच कीपिंग. द वर्किंग ऑफ द बनवास इज प्लेस्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ मास्टर. मास्टर चाहे तो ऑन कर सकता है, चाहे तो ऑफ कर सकता है, बट कंपनी का रूल है कि नहीं आपको ऑन ही रखना है, देन मास्टर हैज टू फॉलो दैट रूल ऑल्सो ऑफ द कंपनी. इट इज टू बी ऑन ऑल द टाइम. Listen to me carefully. Okay, sir. हम लोग आपके रिक्वायरमेंट पे आएंगे बाद में, पहले यहाँ पे सुन लेते हैं और कंक्लूजन देख लेते हैं, फिर हम आपके प्रॉब्लम की बात करेंगे. ऑटोमेटिक मोड देख लिया, मैनुअल ऑन मैनुअल ऑफ देख लिया. नाउ अगेन आई एम एट एंकर फॉर एग्जाम्पल, वर्क गोइंग ऑन और नॉट गोइंग ऑन अनदर मैटर. I am at anchor. बनवास का क्या होगा अगर ऑटोमेटिक मोड ऑफ ऑपरेशन में रखा है तो? हैंड स्टीयरिंग मोड में बनवास का क्या होगा? तो आपके अकॉर्डिंग तो हैंड स्टीयरिंग मोड में बंद कर देंगे, बंद हो जाएगा. लेकिन अभी हमने देखा था कि एंकर वॉच तो रखनी है, बहुत शार्पली रखनी है, ध्यान रखना है, yes, है या नहीं? तो although again IMO says that there has to be three modes of operation, but now it is worldwide accepted norm that it is left to the master. You decide when it is to be on, you decide when it is to be off. So agar kuch lapse hua aur banvas off thi because master has switched it off, so he has to answer. Why was it switched off? So basic requirement or the mode of operation which is recommended now or accepted worldwide is manual on, manual off. Your responsibility, you decide when it is to be on, when it is to be switched off. Don't use it in automatic mode. So automatic mode of operation is not recommended. It is recommended to use it in manual mode so that when the master feels yes it is needed, you switch it on. When it is not needed, you switch it off. Master.
सो दैट इज नाउ व्हाट इज द सिचुएशन. हमने अभी बात करी कि ये तीन ऑटोमेटिक मोड, तीन मोड्स होंगे, बट ऑटोमेटिक मोड इज नॉट प्रेफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन. Although it is demanded by the IMO, it is still not the recommended method. It has to be operated in manual mode. जिसमें master decide करेगा कब चलाना है, वो decide करेंगे कब बंद करना है. Is it agreed now? Yes, sir. Yes, sir. Sir, but solar's की requirement तो ये लेकिन अंडरवे है तो मास्टर ऑफ करना चाहेगा क्या उसको? कॉमन सेंस मास्टर, आप मास्टर की जगह रखिए अपने आप को और शिप इज अंडरवे. वुड यू लाइक टू स्विच स्विच इट ऑफ और स्विच इट ऑन? I'll keep it on always, but the master decides here. Now we are underway. I'll keep it on. Yes, now I am at anchor, I'll keep it on. Yes, now I am loading in the port. There is nobody in the bridge. Okay, switch it off. So yes, he decides. And so moreover, एक autumn would make MSC एक circular भी था जिसमें ये था कि अगर जैसे आपने बोल रहे थे starting में कि automatic mode heading monitor के साथ synchronize है autopilot के साथ, but सुलास ये बोलता है कि आपका बनवास हमेशा operation होना चाहिए. So even hand steering पे अगर auto में अपने आप off हो जाएगा तो वो सोलार से कंप्लाई नहीं करेगा ना फिर. एग्जैक्टली, तो इसीलिए तो सोलार को कंप्लाई करने के लिए रिकमेंडेड मोड इज नाउ मैनुअल. यू डिसाइड व्हेन इट इज टू बी ऑन, यू हैव टू आंसर व्हेन, इफ यू स्विच इट ऑफ व्हेन इट वाज रिक्वायर्ड टू बी ऑन. यस, सो सर स्टिल आप बोल रहे हो कि रिकमेंडेड है, बट स्टिल दैट इट इज पॉसिबल दैट यू कैन यूज द ऑटोमेटिक मोड. नहीं सर, ये पार्ट नहीं समझा मैं. ऑटोमेटिक मोड यूज करना बंद ही हो गया है, सो ये है कि वो प्रेफरेबल नहीं है कि वो यूज ही नहीं करना? एकदम यूज ही नहीं करना, मतलब अभी भी ये अमेंडमेंट नहीं आई है IMO के रिक्वायरमेंट में. ये अमेंडमेंट नहीं आई है दैट देयर हैज टू बी नो ऑटोमेटिक ऑपरेशन, ओनली मैनुअल ऑपरेशन. ये अमेंडमेंट नहीं आई है. अमेंडमेंट के बाद ये हो सकता है कि चेंज हो जाए, बट अभी तक रिक्वायरमेंट यही है कि तीन मोड ऑफ ऑपरेशन होने चाहिए. बट वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबिलिटी इज फॉर मैनुअल ऑपरेशन ओनली. व्हेन द मास्टर फील्स ऑल राइट ही स्विचेस ऑन, व्हेन ही फील्स ऑल राइट ही स्विचेस ऑफ. ही विल हैव टू आंसर फॉर ऑन और ऑफ इन वॉट एवर कंडीशन. क्लियर? यस. So these are the three modes of operation which is required in the Vanvas. So we have already talked about this. Another requirement for power supply: the system should be powered by the ship's main supply. जो generator चलती है, जो cabins में light जाती है, जो bridge में आती है, उसी light से चलेगा, उसी electricity से चलेगा. But if there is a power failure, if the mains is failing, then it should have a battery backup of at least 6 hours. That means Vanvas will continue to operate for next 6 hours on battery power. So this is a requirement for power supply. Next, the emergency call facility. The Vanvas is not only calling the master or backup officer when there is no response from the officer on watch, when he is inactive. Even when it is active, the OOW is active in the bridge, but he wants to call the master in bridge. He has a situation. He is not very confident and he wants master to come to the bridge. Then there can be a facility, there is a facility provided in the Vanvas system that he can call for help. तो उसमें क्या होता है? मान लीजिए
कि 0 मिनट यहां शुरू हुआ था, अभी 1 मिनट हुई, 2 मिनट हुई, 3 मिनट हुई, 12 मिनट के बाद, 12 मिनट के बाद फ्लैशिंग लाइट शुरू होगा, विजुअल इंडिकेशन शुरू होगा, फिर 15 सेकंड के बाद फर्स्ट स्टेज अलार्म शुरू होगा, बट इन बिटवीन हेयर इटसेल्फ द ऑफिसर ऑन वॉच इज making emergency call. Then the system directly jumps to second stage alarm. Cabins mein ghanti bajni shuru ho jayegi. Yahi pe, let us say fourth minute. Yahi pe usne emergency call kar diya. To beech ka sara jo area hai, beech ka sara time hai, that will be jumped and directly the system will go to second stage alarm. And from there, subsequently third stage alarm. Agar reset nahi kiya. So this facility can be used by the officer on watch for calling help or calling the master in the bridge. So that's emergency call facility. After the emergency call has been generated, again reset point dabayenge, system will come back to 00 once again. Start counting time once again, the dormant period starts. So that is emergency call facility. Next one is the reset function. अभी कुछ बात हुई थी motion sensor की, वो भी बात करेंगे यहाँ पे. अभी बात हुई थी toilet में remote resetting की, उसकी भी बात करेंगे. अभी इमरजेंसी कॉलिंग की बात करिए, वो उसका भी कुछ इसमें आएगा. सो द रीसेट फंक्शन रिक्वायर्स दैट इट शुड बी प्रेजेंट ओनली इन द नेविगेशनल एरिया और इन द एरियाज ऑफ द ब्रिज फ्रॉम वेयर लुक इज वॉच कीपिंग इज डन. अरे किसी का माइक्रोफोन ऑन है, चेक करो. Somebody's microphone is on. Okay. अभी नहीं. बाहर में घूम रहा है. अभिषेक. किसका अभिषेक? मानता ही नहीं है. सर मैं कर देती हूँ. मैं कर देती हूँ सर. कर दीजिए मैम. कर दीजिए. रिसेट बटन शुड बी प्रोवाइडेड ओनली इन द एरियाज फ्रॉम वेयर ब्रिज वॉच इज कैरिड आउट. सो आई वॉज जस्ट वी वर डिस्कसिंग अ सिचुएशन वेयर द चार्ट टेबल वॉज इंक्लूडेड इन दैट एरिया फ्रॉम वेयर नेविगेशन वॉच इज केप्ट. There was no curtain, so bridge was open all the time. So it is all right if it is placed near the chart table. But if it was in a situation where during the night time we are covering the chart room with the curtains, then it is not to be placed there. Some people tried in the beginning, but it came under observation of the surveyors. And they pointed out how you're going to do it during the night time. So the observation were noted down. And where it was installed, either they removed the reset button from the chart table, or if it is still remaining there, it was covered so that it cannot be done from there, basically making it defunct. So that's first requirement of the reset function, that it should be physically located in the area. Second, reset function by a single click of the button or single action, jo bhi ho, all alarms and indications are cancelled out.
any flashing light, any buzzer, any cabin alarms, anything, or even alleyway alarms, all will be reset. It will become zero. It will be canceled. And there will be a new cycle starting. New cycle commencing with 00 minutes of the dormant period. So this is possible by a single operation of the operator on the reset button. Second requirement, single click, all the system is reset. The third requirement of the reset is that it is protected from continuous activation. Hamare jaise smart log ho, तो हम सोचेंगे कि कौन बार बार रीसेट करता रहेगा, इसको रीसेट करके टेप लगा देते हैं. तो यू आर टेपिंग द रीसेट पॉइंट, दबा के टेप लगा दिया. अब बार बार नहीं उठना पड़ेगा, मैं आराम से बैठ सकता हूं. नो, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द सिस्टम हैज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दिस एक्टिविटी. तो आपने पहली बार दबाया, उसको दबा के रखा हुआ, टेप लगाया, तो एक बार तो रीसेट हो गया, सिंगल एक्शन, थिंग्स गेट रीसेट. अब टेप लगी हुई है, रीसेट बटन दबा हुआ है, स्टिल द सिस्टम से काउंटिंग करेगा सर. हाँ, फिर से काउंटिंग करेगा डोरमेंट पीरियड. रीसेट बटन दबा हुआ रहा तो भी चलता रहेगा, उसको वापस प्रेस करना ही पड़ेगा. उसको वापस प्रेस ही करना पड़ेगा. एग्जैक्टली. अगर बटन दबी है तो विजुअल इंडिकेशन शुरू हो जाएगी फिर से. बटन दबी रहे तो रहे, ब्रिज का अलार्म शुरू हो जाएगा. अगर फिर भी रीसेट नहीं किया और चिपका करके अगर सो गया तो सेकंड स्टेज अलार्म बच जाएगा. मतलब सारा सीक्वेंस वैसे ही काम करेगा, नो मैटर व्हाट इज डन विद द रीसेट बटन. अगर दबा के रख दिया काम नहीं करता. Yes. सर, अगर टेप लगा दिया तो 5 सेकंड के बाद सीधा वो इमरजेंसी मोड में जाके वो सेकंड स्टेज पे नहीं जाएगा सर? तुम लोग बहुत स्मार्ट हो. वो मेरा अगला सेंटेंस था. जी सर. मेरा अगला सेंटेंस था कि टू इंक्लूड दिस फीचर, अनदर फीचर इज एडेड विद दिस इमरजेंसी कॉलिंग फैसिलिटी का फीचर लॉन्ग प्रेस में डाल दिया. तो इमरजेंसी कॉलिंग का भी फीचर हो गया, दैट आई हैव अ फीचर, आई कैन कॉल फॉर हेल्प. और प्रोटेक्शन भी हो गई, जिस चीज के लिए मैं टेप लगाना चाहता था कि मैं आराम से बैठूं, वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जैसे मैंने लॉन्ग प्रेस किया तो सेकेंड स्टेज अलार्म बज जाती है, तो मैं अब छू ही नहीं सकता उसको. सो लॉन्ग प्रेस नहीं कर सकता. प्रोटेक्शन हो गई कि नहीं? Yes, sir. तो प्रोटेक्शन हो गए, तो ये वाला हमारा जो रिक्वायरमेंट है ये पूरा हो गया, that it should be protected against any kind of prolonged activation. और इमरजेंसी कॉल की फैसिलिटी थी वो भी मिल गया. तो either I can have a dedicated button for emergency call, or emergency calling can be included in the reset button itself. Short press, reset, long press, emergency call. Good? Yes, sir. Good, yes, sir. Good है. All right. ये इसको मत देखिए. It should be easily available. It should be read as easily. कहाँ गया? Accessible. This is a repeat of the previous point basically, but in point in place of this we should read easily accessible. There should be many reset points available in the bridge so that the officer on watch does not have to run from this end to that end of the bridge to reset it. That is why we have multiple number of reset points scattered all over the bridge.
one will be near the port door, starboard door, near the steering column, maybe bridge front, near the radar. But chart table se aa gayi hona chahiye. All chart table se alag. Agar chart table ka area aapke navigation area mein included hai because of the construction of the ship, of the bridge, then it is all right. You can do it there. But the requirement is from where navigation watch is carried out. Agar aap raat mein curtain band karte hain chart table ka, to wahan nahi laga sakte. Lekin raat mein bhi khuli rehti hai, aap wahan se bhi watch out, the lookout rakh sakte ho. So no problem, then you can put it there also. Right? Maybe new facility, yes, sir. Yes. Then there is next point. The reset of the banvas may be done through other devices or equipment which can register bridge activity. Matlab, agar kuch dusre device ho jisse mujhko check kiya ja sakta hai ki main baitha hu ya kaam kar raha hu, agar mere kaam ko monitor kiya ja sakta hai, then that system can also be used to reset the banvas. Now what is the meaning of this? Supposing I am working on the egg disc. Ab egg disc pe idhar click, udhar line khich raha hu, udhar I am doing some kind of planning. So computer is saying, the egg disc computer is saying that I am doing all these activities. So the reset command keeps on going to the banvas. Jo bhi main kar raha hu, click, 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 click. All these commands are also going to the banvas and resetting it. I don't have to go separately and reset it. Kyunki ye computer jo egg disc ka computer hai, usi pe meri activity register ho rahi. Ki main buttons click kar raha hu, main line khich raha hu, kuch likh raha hu, keyboard chala raha hu. Or maybe I am standing near the radar. Aur radar pe kuch kaam kar raha hu. Taking range and bearing of certain object, mapping ka facility, ARPA ki facility, main kisi target ko acquire kar raha hun, I am seeing some details. So ye sab sari click 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 on the ARPA computer also is generating a reset command for the banvas. Banvas keeps on getting reset with my activity on radar or egg disc. I need not go and separately reset it. Ki radar chhod karke pehle reset karke aao fir se kaam karo. So these are the two equipment in general which can register bridge activity. There can be other also. EIS mein kuch entry vagara kar rahe hain. GPS pe bhi kuch agar chhedchhad kar rahe hain, kuch change ho raha hai. Koi bhi navigational equipment usme agar kuch bhi kar rahe hain to usme reset ho jayega usse sir. But most likely either it is egg disc or radar, because these two equipments are actively used in navigation. Okay, sir. Mostly these two. But there can be other devices also, like motion sensor. Maine motion sensor laga diya, when I am walking, then it detects that there is something moving, there is somebody moving. Yes, sir. Motion sensor से command जाती रहेगी बनवास को मेरे चलने से bridge front में इधर से उधर चलने से it will keep on registering that the person is walking from this side to that side, so no problem, reset. But motion sensor का एक वो भी है ना सर, minus point भी है ना. मैंने कहा तो आप लोग smart आदमी हो. चलो discuss करो, बताओ negative point. वही है सर, वही फैन लगा के पेपर लटका दो आगे उसके. एग्जैक्टली. तो इसके लिए सर्वेयर्स ने कहा कि मोशन सेंसर शुड नॉट बी यूज्ड, सो इट इज डिस्करेज्ड टू यूज मोशन सेंसर्स. पीपल और द शिप्स हु यूज्ड मोशन सेंसर्स, उनको वही ऑब्जर्वेशन वैसे ही मिल गई और उन्होंने इसको या तो हटा दिया या डिस्कनेक्ट कर दिया. There can be another device, something like heat sensor. Body heat ko wo capture karta hai. But this can also be deceived in certain condition when
द आउटसाइड टेम्परेचर इज एग्जैक्टली द सेम टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी तो उसमें डिसेप्शन की चांसेस है. गेट खोल देंगे ना सर, इक्वलाइज हो जाएगा दोनों का, अंदर का बाहर का इक्वलाइज हो जाएगा, डिफरेंस नहीं आएगा. नहीं आएगा सर. हाँ, so in both the cases these two devices are discouraged and they said you the normal manual resetting, जो बटन लगा के आपने दीवार में रखी है उसको यूज कीजिए, keep on pressing and that's more than enough. So these are reset functions. Now we'll be cutting short the class now. इसके साथ दो चार दो तीन पॉइंट और रह गए हैं, but we have already overshot the time. So we'll stop. Agle class mein within 5-7 minutes, 10 minutes maximum, we'll be able to complete this. So agle class mein we'll talk about the next topic, which is VDR. After completing this remaining part of the Vanvas. Okay, so abhi tak ke sare question answer ho gaye ki nahi aapke? Yes, sir. यस सर, बट सर ना एक डाउट था सर, एक मिनट का ऑटोमेटिक वाला था ना सर, ऑटोमेटिक वाला था ना सर, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दिए छोटा सा बस, वो कैसे उसे क्या. वनवास यहाँ पे है, मैं रडार पे काम कर रहा हूँ, सॉरी मैंने वो तो समझ में आ गए मेरे, वो तो समझ में आ गए सर, वो जो ऑटोमेटिक वाला था वो मैं वो 3 पॉइंट पूछ रहा हूँ सर, स्टार्टिंग वाले मैनुअली ऑफ, मैनुअली ऑन और ऑटोमेटिक, वो वाला पॉइंट पूछ रहा हूं. ऑटोमेटिक को बता रहा हूं, मुझको बनवास को ऑन ऑफ अलग से यहां से नहीं करना. मान लो ये बनवास है तो यहां से ऑन यहां से ऑफ नहीं करना, ये हमेशा ऑन रहता है, पावर ऑन रहती है. मेरा स्विचिंग ऑन ऑफ जो होता है वो ऑटो पायलट से सिलेक्शन से होता है, मैंने ऑटो में किया तो ये ऑन हो गई, चलने लगी. ओके सर, मुझको रिसेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने हैंड स्टीयरिंग में किया ये बंद हो गया. ओके ओके सर, ओके सर, कॉपी सर. मैंने यहाँ से ऑटो में किया फिर से चल पड़ी, क्योंकि ऑटो में करके तो मैं आराम से बैठ जाता हूँ ना. यस सर. और मैनुअल में किया तो मुझको स्टीयरिंग करना पड़ता है, कभी पोर्ट कभी स्टार्ट करना पड़ता है, तो मैं तो एक्टिव हूँ, तो जब मैं एक्टिव हूँ तो वो बंद रहता है कि भाई ठीक है छोड़ दो उसको, तुम अपना स्टीयरिंग करो. लेकिन जब मेरे सोने का टाइम होता है, मैं ऑटो में डाल के सोने जाऊंगा, तब ये चालू हो जाता है कि अब रिसेट करो. ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया सर. और कितने ब्रिज इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि मैंने अपने शिप पे दो ही इक्विपमेंट के साथ इसको देखा है, रडार और एग्डिस. सर ने वो बोला था ना, मे बी इक्विपमेंट से हो सकता है, टेक्निकली बोला था ना सर आपने, वो तो मैंने कहा, उसने सुना नहीं ना तो फिर रिपीट करना पड़ेगा ना. हाँ सॉरी सर, डिस्टर्ब. हाँ तो अब मैंने तो ऑटोमेटिक के लिए भी कहा था, आपने पूछा तो रिपीट किया, अब उसको भी तो रिपीट करना पड़ेगा ना उसको. जी जी सर, कर दीजिए सर, कर दीजिए. हाँ तो सॉरी फॉर डिस्टर्ब. हम बात कर रहे थे किसके बारे में, इक्विपमेंट से कनेक्टेड रहता है. टेक्निकली किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अगर कुछ मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ तो उसका सिग्नल जा सकता है. मान लो मैंने VHF पे बोलना शुरू किया तो मैं कुछ बोल रहा हूँ तो जगा हुआ हूँ तभी तो बोल रहा हूँ, तो यहाँ से जा सकता है. टेक्निकली बनवास को मैं अपने वॉइस से रिसेट कर सकता हूँ, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल जाएगी, बनवास रिसेट हो जाएगी. अगर मैं AIS में डेटा फीड कर रहा हूँ, कुछ कुछ चेक कर रहा हूँ, स्क्रोल कर रहा हूँ ऊपर नीचे, तो टेक्निकली वहां से मैं रिसेट कर सकता हूँ, बट नॉर्मली ये दो इक्विपमेंट ही यूज होते हैं जिससे हम रिसेट करते हैं, क्योंकि AIS हम हमेशा तो यूज करते नहीं. एक बार वॉइस पे निकल चुकी तो एक बार डेटा डाला, वॉइस के लिए तो फिक्स हो गया, ज्यादा से ज्यादा स्क्रोल कर लूंगा कभी कभार, बट एग्डेस रडार ये कॉन्स्टेंट यूज की चीजें हैं जिससे सिस्टम को रिसेट किया जा सकता है. सो मोस्टली यही दो चीज यूज की जाती है फॉर रिसेटिंग. अदरवाइज टेक्निकली पॉसिबिलिटी है किसी भी इक्विपमेंट से मैं रिसेट कर सकता हूं दूसरे इक्विपमेंट से, अगर मैं ऑपरेट करूंगा तो वो रिसेट होगा. टेक्निकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली वी डोंट डू इट, वी नॉर्मली वर्क विथ एक्टिस एंड रडार.
Understood? Okay, sir. Copy. Yes, sir. Thank you, sir. सब लोग दो दो रुपए जमा करके भेजना, 10 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास ले ली मेरी आप. ओके सर, बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर, थैंक यू सर, चलो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. ओके सर, थैंक यू, चलो थैंक यू, अगले क्लास में मिलेंगे, बाय बाय.